अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। तो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लाई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग किसी भी एसडी कार्ड का डेटा किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। बेशक वो एसडी कार्ड आपका क्रैक क्यों ना हो चुका हो, आप उसका डेटा ईजिली रिकवर कर लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल टेक्निकल क्लाउड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट फ्यूचर में मैं अगर कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको ईजिली मिल जाए। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले आपने जाना है क्रोम में और यहाँ जाने के बाद आपने टाइप करना है सरदार टेक्निकल क्लाउड, वेबसाइट नेम है, आप इसको सर्च करेंगे। ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेगी। यहाँ से आप उस सॉफ्टवेयर को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली वाली पोस्ट है फ्री एसडी कार्ड रिकवरी। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग इजीली वहाँ से भी ले सकते हैं या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे। और फिर हम लोगों ने क्या करना है, डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। जब हम लोग डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आके हम लोगों के पास एक छोटा सा ऐड आएगा। ऐड तकरीबन 5 सेकंड का होगा, बस थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके बाद ऐड को कर देना है स्किप। ओके, स्किप करने के बाद आपने यहाँ पर फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है और आपके पास ये ऐप सॉरी ये सॉफ्टवेयर इजीली डाउनलोड हो जाएगा। मैं आपको इसका आइकन भी बता देती हूँ, मेरे पास डाउनलोड हुआ है। ओके, डिस्क ड्रिल इस सॉफ्टवेयर का नाम है। तो इसका कुछ इस तरीके से आइकन बना होगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस सॉफ्टवेयर को हम लोग ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद मैंने अपना एक क्रैक एसडी कार्ड इसमें लैपटॉप में इंसर्ट किया हुआ है, तो उसका नेम है मैथ स्टोरेज डिवाइस। अब ये आपके पास ऑटोमेटिकली डिवाइस आ जाएगी, सॉरी डिवाइस का नेम आ जाएगा। तो हमने इस पर क्लिक करेंगे, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, 3 डॉट्स पर भी क्लिक कर सकते हैं इजीली। ओके, फिर उसके बाद आप लोगों ने आना है राइट पे, आप इन्फो पे भी क्लिक कर लें तो आपको इस मेमोरी कार्ड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और उसके बाद आप रिकवरी पर, ओके रिकवरी में आप डीप स्कैन सर्च फॉर लॉस पिक्चर्स आप अगर सिर्फ इंडिविजुअली पिक्चर्स करना चाहते हैं तो आप इस पर भी क्लिक करके सर्च कर सकते हैं, या फिर अगर आप पिक्चर्स वीडियोस ऑडियो सब कुछ करना चाहते हैं तो आपने ऑल रिकवरी मेथड्स पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, सर्च फॉर लॉस्ट डेटा यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देंगे। ओके, आप इस तरह एक न्यू पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर स्कैनिंग लिखा हुआ होगा, मतलब आपके इस मेमोरी कार्ड से सब कुछ स्कैन कर रहा होगा, जो भी डेटा इससे आपसे डिलीट हो गया या कुछ भी है। तो इसमें हमारे पास पिक्चर्स वीडियोस ऑडियो डॉक्यूमेंट्स सब कुछ है। तो यहाँ पर आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना होगा और फिर आपके पास इजीली आपका सारा डेटा रिकवर होगा। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो जब तक ये रिकवर होता है तो मैं तब तक वीडियो को स्टॉप कर देती हूँ, फिर जैसे ही होगा तो मैं आपको आकर बताती हूँ। ओके जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम लेने के बाद यहाँ पर पिक्चर्स आ गई हैं 256, वीडियोस 143, ऑडियो 1246 और डॉक्यूमेंट्स 3। अब ये आहिस्ता आहिस्ता और भी सब कुछ स्क्रीन होगा और जब तक स्कैन होगा तो हम दोबारा वापस आते हैं वीडियो में। ओके जी, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि इसमें मेरी तमाम पिक्चर्स वीडियोस ऑडियोस या डॉक्यूमेंट्स सब कुछ दोबारा रिकवर हो गए हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग इसको सेव करना चाहते हैं तो जस्ट सेव पर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास सेव हो जाएगा ये सब कुछ। और मैंने तो सेव नहीं करना है, इस वजह से मैं सेव पर क्लिक नहीं कर रही। तो बाकी इस मेथड से आप लोग अपना कोई भी एसडी कार्ड जो कि बेशक क्रैक भी हो या फिर फॉर्मेट हो जाए या कुछ भी हो तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर पिक्चर्स के फोल्डर में हो तो सारी पिक्चर्स में हम लोगों की यहीं से आ जाएंगी, वीडियोस ऑडियोस डॉक्यूमेंट्स बाकी सब कुछ। तो गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा और उसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।